इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल के अंदर मल्टीपल इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले इनवॉइस को डिलीट कर देता हूँ, तो ये इनवॉइसेस डिलीट हो जाएंगे। अभी देखिए मेरे पास एक ही इनवॉइसेस है, मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ पर 100 इनवॉइसेस जनरेट करता हूँ, क्रिएट इनवॉइसेस। तो यहाँ पर देखिए ये इनवॉइसेस यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए शीट क्रिएटेड सक्सेसफुल अप टू 100। ओके, अभी यहाँ पर हमारे शीट तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन जो इनवॉइस नंबर है वो चेंज नहीं हुआ है। मतलब देखिए 100 पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस एरो पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में आ जाऊंगा, यहाँ पर डैशबोर्ड और यहाँ पर जनरेट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके इस एरो पर क्लिक करता हूँ, मतलब मैं लास्ट में जाऊंगा। अभी 100 यहाँ पर देखिए बीई 100 यहाँ पर ये इनवॉइस नंबर आ चुका है जो भी हमारा फॉर्मेट था, और बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इनवॉइस नंबर के बेस पर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अभी मैं दोबारा सिर्फ यहाँ पर 5 इनवॉइसेस रखता हूँ और बाकी के डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिलीट इनवॉइसेस, तो हमारे पास अभी सिर्फ 5 इनवॉइसेस है, बाकी के डिलीट हो चुके हैं। तो इस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये जो आगे का वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये जो शीट है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर आप छोटा सा भी पॉइंट मिस करेंगे तो इसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है ये आपको मालूम नहीं चलेगा, तो ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आपके जो भी खास फ्रेंड है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वर्कशीट में रीडमी है, मतलब जो भी रूल्स है वो यहाँ पर लिखे हुए है, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेटा है, आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर सबसे पहले प्रिपेयर करना है। मतलब देखिए यहाँ पर मेरे जो इनवॉइसेस है उनकी जो काउंट है वो 2661 है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद डेट मतलब इनवॉइस की डेट, उसके बाद यहाँ पर नेम मतलब पार्टी का नेम, उसका GST नंबर, उसका जो भी स्टेट है उसकी सिटी, पिन कोड, अगर आप प्रॉपर एड्रेस लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सारे इनवॉइसेस में एक ही मटेरियल या फिर एक ही सर्विस है तो आप लिख सकते हैं, या फिर मल्टीपल है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट 1 है और सेकंड प्रोडक्ट है, मतलब मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट है, आपके पास जितने भी है मतलब 1, 2, 3, 4 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट 1 है, उसका यहाँ पर मटेरियल नेम, रेट, क्वांटिटी, HSN कोड, GST रेट, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST। अभी ये सब कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको मालूम रहेगा। अगर मैं आपको पूरे डीप में समझाऊंगा तो ये जो वीडियो है वो काफी लंबा होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट 2, उसका भी सेम मटेरियल, रेट, क्वांटिटी, HSN, GST रेट, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST। अभी ये जो फॉर्मेट है वो आप जैसे चाहते हैं वैसा मेंटेन कर सकते हैं, मतलब ये जो कॉलम है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पर जो इनवॉइसेस है उसमें सिर्फ इनवॉइस नंबर होगा, उसके बेस पर बाकी ये लिंक के थ्रू आ जाएगा। तो ये जो डेटा है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर मतलब वाउचर नंबर, अभी इनको कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं साइट में जाता हूँ, मान लीजिए मेरा जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पर BE है, BE, उसके बाद मैं एक स्लैश देता हूँ। अभी मेरा इन्वेस्ट नंबर होगा वो 01 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स 01। ओके, उसके बाद मेरा जो सफिक्स होगा वो मंथ और ईयर रहेगा, तो ये जो मंथ है अभी अगस्त है या फिर जुलाई मान लीजिए, मैं इसको जुलाई ही कंसिडर करता हूँ, /07/24/25, मतलब ये ईयर है। अभी यहाँ पर इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, टैप प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट 1 में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉमा, टेक्स्ट 2 में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉमा, और टेक्स्ट 3, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो अभी यहाँ पर हमारा एक इनवॉइस नंबर बन चुका है। अभी इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C, यहाँ पर आता हूँ Ctrl+D, यहाँ पर आता हूँ Ctrl+Shift+O, Ctrl+V,
अभी यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, मतलब ये 2 होगा। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। अभी देखिए BE/01/02/03, तो इस तरह से आप इनवॉइस नंबर को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल टैक्सेबल, मतलब दोनों जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी टोटल टैक्सेबल कितनी है। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डेटा है वो आप जैसे चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, सिर्फ ये जो सारे डिटेल्स है वो उस डेटा में होने चाहिए। उसके बाद टोटल IGST, CGST, SGST और टोटल, और टोटल में हम जैसे मान लीजिए टोटल करेंगे तो इसको राउंड करेंगे, इज इक्वल टू राउंड, टैप पेस्ट करता हूँ, नंबर्स में यहाँ पर टैक्सेबल प्लस IGST प्लस CGST प्लस SGST कॉमा नंबर डिजिट में 0, क्योंकि हम 0 में इसको राउंड अप करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो इस तरह से इसको राउंड अप करेंगे जैसे कि हम इन्वेस्टर्स में करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला है इज इक्वल टू नंबर। ये जो फॉर्मूला है वो आपके नॉर्मल एक्सेल शीट में नहीं चलेगा, ये जो है वो एक VBA कोडिंग है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर नंबर टू वर्ड आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे रुपीज, मतलब इस तरह से रुपीज लिखना चाहता हूँ तो मैं F2 करता हूँ, इसके आगे मैं कॉन्केटिनेट लगाता हूँ, टैप प्रेस करता हूँ और यहाँ पर डबल कोट्स में रुपीज, यहाँ पर स्पेस सेमीकोलन डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये फॉर्मूला मतलब नंबर टू वर्ड, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं F2 प्रेस करता हूँ और सेमीकोलन के बाद एक स्पेस देता हूँ, मतलब यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर नंबर टू वर्ड इस तरह से आ जाएगा। अभी मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बाकी ये जो डेटा है इसको कैसे प्रिपेयर करना है ये आपके पास फ्रीडम है, मतलब आप जैसे चाहते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ही इन्वॉइस रखता हूँ, बाकी यहाँ पर डिलीट इन्वॉइसेस, तो बाकी के इन्वॉइसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्वॉइस फॉर्मेट है, ये जो इन्वॉइस का फॉर्मेट है इसको आप जैसे चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो इन्वॉइस नंबर है वो यहाँ पर C11, मतलब देखिए यहाँ पर C11 इसमें ही होना चाहिए, इसको आप मूव मत कीजिए। बाकी ये जो फॉर्मेटिंग है इसको आप जैसे चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मैं सबसे पहले इस इन्वॉइस के फॉर्मेट में लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्वॉइस नंबर है, इन्वॉइस नंबर के बेस पर हम यहाँ पर डेट और बाकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर लेके आएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एक्स लुकअप या फिर इंडेक्स मैच, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं मतलब ऑफिस 365 या फिर 2021 तो आपके पास एक्स लुकअप होगा, अदरवाइज आपको इंडेक्स मैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स मैच ही लगाता हूँ, अगर आपके पास एक्स लुकअप है तो आप एक्स लुकअप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स, इंडेक्स के बाद आप एक ध्यान में रखिए, इंडेक्स के बाद आपको क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इनवॉइस डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेटा में जाऊंगा और यहाँ पर इनवॉइस डेट यहाँ पर है, तो मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रेस करने के लिए मैं F4 को प्रेस करता हूँ, कॉमा, उसके बाद मैच, टैप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पर जाता हूँ और लुकअप वैल्यू मेरा इनवॉइस नंबर है। आप इसको फ्रीज नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं F4 करके इसको फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, उसके बाद लुकअप एरे, मतलब ये जो लुकअप वैल्यू है इनवॉइस नंबर इसका एरे कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर डेटा में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट कर देता हूँ, इनवॉइस नंबर यहाँ पर है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, कॉमा, यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0,
मैच का ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो यहाँ पर इनवॉइस डेट आ जाएगी। तो बाकी जो है वो यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर कोई अलग नहीं है, तो मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर स्टेट में आने के बाद आप इसको पेस्ट करेंगे, इंटर, तो यहाँ पर इनवॉइस डेट आ जाएगी। हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरे है, तो हम एरे को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर स्टेट, तो मैं डेटा में जाता हूँ और सिर्फ यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टेट, F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, इंटर, तो यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। उसके बाद नेम, तो यहाँ पर भी सेम, हम इसको पेस्ट करेंगे, F2 करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके एरे को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एरे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर डेटा में जाऊँगा, यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूँगा, F4 करके फ्रीज कर देता हूँ, इंटर, तो यहाँ पर नेम आ जाएगा। इस तरह से हमें सारे डिटेल्स को यहाँ पर लिंक करना है। तो अभी ये मैं आपको सब कुछ शो नहीं करूंगा, आप यहाँ पर F2 करके देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पर क्या लिंक किया है। अभी यहाँ पर कुछ फॉर्मूला ऐसे भी है, यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसको H24 इसको मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर इंडेक्स मैच नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं F2 प्रेस करके। तो ये बहुत ही ईजी है, आप एक नॉर्मल एक्सेल भी जानते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर तीसरा है तो आप तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप जैसे चाहते कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंडेक्स मैच से यहाँ पर टोटल आ चुकी है, मतलब AA, यहाँ पर देखिए AA, यहाँ पर देखिए AA, यहाँ पर जो टैक्सेबल है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो बाकी जो फॉर्मूला है इनको आप F2 करके देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वो अमाउंट टू वर्ड वो यहाँ से आ चुका है। यहाँ पर देखिए नंबर टू वर्ड ये जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और बाकी जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। इस इन्वेस को लिंक करने के बाद मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में आऊंगा। अभी देखिए आप कितने इन्वेसेस बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 100 इन्वेसेस बनाना चाहता हूँ, तो 100, और यहाँ पर क्रिएट इन्वेसेस, तो ये क्या करेगा, ये जो इन्वेस है इसको कॉपी पेस्ट करेगा। तो सबसे पहले आप इंश्योर कीजिए कि ये जो सारे फॉर्मूलाज है वो आपने ठीक से लगाए हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है और फॉर्मूलाज ये आगे कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड, यहाँ पर इन्वेस कॉपी 100 और यहाँ पर क्रिएट इन्वेसेस, तो ये इन्वेसेस को क्रिएट करेगा। शीट क्रिएटेड सक्सेसफुली अप टू 100, ओके, तो यहाँ पर देखिए 100, लेकिन यहाँ पर इन्वेस नंबर है वो चेंज नहीं हो चुका है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे, कंट्रोल इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट में आ जाएंगे। तो मैं कंट्रोल इस एरो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड। अभी यहाँ पर देखिए फ्रॉम इन्वेस नंबर, मतलब आप कहाँ से इन्वेस बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 नंबर से इन्वेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 01 इस तरह से चाहिए, तो यहाँ पर सिंगल कोट्स 00, इंटर। यहाँ पर 2 इन्वेस नंबर, तो मैं 1000 तक, अभी यहाँ पर 100 ही है लेकिन मैं यहाँ पर 1000 लिखूंगा, मतलब जितने भी शीट्स हैं उतने इन्वेसेस बन जाएंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स, मतलब इस इन्वेस नंबर के आगे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर BE/suffix, मतलब इन्वेस नंबर के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मंथ 07 जो कि जुलाई है, /24/25 जो कि फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर आप जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जनरेट इन्वेस नंबर, ओके, इन्वेस नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 01, यहाँ पर 02, और यहाँ पर जैसे इन्वेस नंबर चेंज होगा इसके बेस पर यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है, मतलब देखिए यहाँ पर जो 02 होगा इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V, मतलब देखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पर देखिए इन्वेस नंबर टू यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए डेट क्या है 17, पार्टी कौन सी है, जेनिथ मेटल, यहाँ पर कौन सी है, ये देखिए जेनिथ मेटल 17। यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स है वो इन्वॉइस नंबर के बेस पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसा इन्वॉइस नंबर चेंज होगा वैसा डिटेल भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर लास्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 100, अगर मैं यहाँ पर 3x0 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये 3 डिजिट को मेंटेन करेगा, जनरेट इन्वॉइस नंबर, ओके,
यहाँ पर देखिए 001। तो यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स है वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सारे डिटेल्स है वो इनवॉइस नंबर के बेस पर यहाँ पर आते हैं। अगर आपका इनवॉइस नंबर ही गलत है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा जाता हूँ और /00 एंटर और जनरेट इनवॉइस नंबर। ओके, अभी देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 500 जनरेट करता हूँ, 500 क्रिएट इनवॉइस नंबर। शीट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली अप टू 500। ओके, कंट्रोल यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, डैशबोर्ड और यहाँ पर जनरेट इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए BE 500 और इसके बेस पर यहाँ पर बाकी डिटेल्स आ जाएंगे। अब भी इसको प्रिंट कैसे करेंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ तक सेटअप किया है। ओके, मान लीजिए यहां पर मैं 5 इनवॉइस को जनरेट करता हूं, क्रिएट इनवॉइस। ओके, अभी यहां पर सबको प्रिंट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल शीट्स। ओके, और कंट्रोल प्रेस करके इनको मैं डीसिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरे फर्स्ट 3 शीट है। उसके बाद कंट्रोल पी यानी प्रिंट, तो यहां पर देखिए 5 प्रिंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, मतलब एक साथ मैं इनको प्रिंट कर सकता हूं, आपको 1x1 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो टेम्पलेट है इसको डाउनलोड कैसे करना है? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आपके जो भी खास फ्रेंड है उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए जैसे आप वीडियो को ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसके नीचे देखिए यहाँ पर मोर में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस फाइल रहेगी, या फिर यहाँ पर देखिए कमेंट में भी प्रैक्टिस फाइल रहेगी, यहाँ से आप WhatsApp ग्रुप और Telegram को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो फाइल शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट डाउनलोड, या फिर इसको आप ओपन करते हैं। मान लीजिए इस तरह से आपने ओपन कर दिया तो आपको यहाँ पर फाइल में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरह से फाइल आपको मिल जाएगी। तो ये जो फाइल है वो मैक्रो इनेबल वर्कशीट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर आपको एक अनब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चेक करना है, मतलब इसको अनब्लॉक करना है। उसके बाद अप्लाई, ओके, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनेबल वर्कशीट इस तरह से आ जाएगा, तो इसको आपको इनेबल करना है।